दोस्तों नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। तो मैं, जो लोग नए दर्शक मेरे को देख रहे हैं, तो मैं उनको बता दूँ, मैं हूँ प्रीति शाह, अल्मोड़ा, छोटे से ज़िले अल्मोड़ा से, उत्तराखंड से। तो मैं डेली ब्लॉग बनाती हूँ, तो अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आएंगे तो आप भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना। तो चलिए जी, ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। आ गई हूँ अपनी येलो चेयर में। ये कॉर्नर बहुत ही गंदा लग रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पर बनाई है। अभी इसका डेकोरेशन होना है, ऊपर पूरा इसको डेकोरेट करना है, वॉल्स वगैरह। तो फिर वो तो सामान अभी हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, तो जब आ जाएगा तो आप लोगों को। आज हमारे यहाँ एक विशेष अतिथि आने वाली है, तो उसके लिए मैं आज बना रही हूँ मैंगो शेक और बना रही हूँ ढोकला। तो गाइस, अब मैं तो जा रही हूँ काम करने के लिए। ये आम का गूदा मैंने निकाल लिया, फटाफट इसको ब्लेंड करती हूँ और मिक्सर में, और फिर इसको फ्रीज में रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए उसके आने तक। और आप देखते रहो, ब्लॉग में बने रहो। कौन आ रही है? वो हमारे दिल का टुकड़ा है, जो भी आ रही है। तो अब मैं ढोकला बनाने की तैयारी भी करती हूँ, उसके लिए बेसन चाहिए। तो बेसन अभी निकालती हूँ, घोलती हूँ, फटाफट ढोकले की तैयारी करती हूँ और आपको बीच बीच में दिखाते भी रहूँगी कि मैं ढोकला कैसे बना रही हूँ। तो गाइस, मैंगो शेक बन चुका है, देखिए कितना मस्त मैंगो शेक बना है। और आजकल तो आम का मौसम है, तो मैंगो शेक पीने का मज़ा ही अलग है। तो अब ये मैं रख देती हूँ फ्रीज में इसको ठंडा होने के लिए, और जल्दी जल्दी तैयारी करती हूँ ढोकला बनाने की। ढोकला बना रहे हो? हाँ, आज तो ढोकला भी बन रहा है। बेटे, आज हमारे घर में एक स्पेशल गेस्ट आ रही है, आपको पता है कौन है? कौन है? गायत्री शाह रावत। नहीं, गायत्री शाह को कौन पूछता है। आ रही है तो हृदय के लिए बन रहा है सब चीज। तो गाइज, अब हमारा बन रहा है ढोकला, और ये देखिए ढोकला कैसे बन रहा है। मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें नमक रखा हुआ है और उसके ऊपर ढोकले का बैटर डाल दिया है, जो कि अब बहुत देर तक हल्के हल्के पकता रहेगा। अब मैं इस कढ़ाई को ढक दूंगी, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। चलिए आप ढक देते हैं इसको। हमारा ढोकला बन के रेडी हो चुका है, ये देखिए। अब हम इसको टेस्ट करेंगे बना नहीं बना। तो बना नहीं बना देखने के लिए हमको ऐसे इसमें चाकू डुबोना है, और अगर चाकू साफ निकले तो इसका मतलब बन गया है, और अगर चाकू में कुछ लगा रहे तो सोचो कि अभी नहीं बना। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं। और ये देखिए गाइस, बारिश होने लग गई है और इंद्रदेव मेहरबान हो चुके हैं, और बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब मुझे खेतों में पानी डालने की चिंता नहीं है, और जैसे ही मैंने ऐसा बोला तो बारिश थोड़ी सी कम हो गई है। तो मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है अभी अभी हमारे वहाँ। वाह, मज़ा ही आ रहा। और प्लेन्स में तो अगर ऐसी बारिश पड़ती है तो लोग नहाने के लिए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन हम तो नहीं निकल पाते क्योंकि हमारे यहाँ ठंडी लगने लगती है। ये देखिए मेरे सारे प्लांट्स को पानी मिल गया भाई आज। ढोकले का तड़का बना रही हूँ, उसमें मैंने डाल दिए थोड़े से तेल में राई, और ये डाल रही हूँ मैं हरी मिर्च। थोड़ा सा इसको सौटे कर लेंगे। कड़ी पत्ता लाने का टाइम नहीं हो रहा, बाहर जोर की बारिश आ रही, वरना मैं कड़ी पत्ता भी डालती। और ये डाल दिया मैंने इसमें पानी एक गिलास भर के, इतना अभी इसमें गिलास में पानी भर के डाल दिया है। और अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी शुगर, ये देखिए थोड़ी सी शुगर मैं हाथ से ही डाल ले रही हूँ। तो इसका जो ये पानी होता है ना, ये बहुत ही टेस्टी होता, खट्टा मीठा बिल्कुल इतना टेस्टी लगता है। और इसको पूरा हम डाल देंगे ढोकले के ऊपर। और ये देखिए हमारा ढोकला बन के रेडी हो चुका है, कितना अच्छा शेप आया है, और ये देखिए कितना स्पॉन्जी हो रहा है हमारा ढोकला। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी डाल दूंगी, लेकिन आपको कमेंट करके बोलना पड़ेगा मुझे कि रेसिपी बता दीजिए। तो चलिए, अब मैं लाई हूँ कागजी नींबू ढेर सारे, तो अब मैं इसमें कागजी नींबू निचोड़ती हूँ इसको उबाल आने के बाद।
और अब कागजी नींबू निचोड़ के तड़का रेडी हो चुका है और हमने डाल दिया है पूरा ढोकले के ऊपर और ढोकला अब इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ढोकला खाने में खट्टा मीठा बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। ये देखिए यार, ऊपर से हरी मिर्च कितना मस्त लग रहा है ढोकला। तो गाइस, हमने ये ढोकला बनाया और थोड़ा सा टेस्ट करा कि कैसा हो रहा है, तो ये लोगों को इतना अच्छा लग गया, ये तो बोल रहे कि अब भी दे दो हमको सारा। और ये देखो मेहमानों के लिए नया बना देंगे, और बोल रहे सारा हमको दे दो और मेहमानों के लिए नया बना देना। तो गाइस, इतना अच्छा हो रहा है कि हम तो सब खाने लग गए हैं। ये देखो भर भर के अपनी प्लेट है, अब मेहमानों के आने तक ये बचे ना बचे गारंटी नहीं है। तो मेहमानों के नाम पे हमने ही सारा ढोकला सूत लिया लग रहा है। एक पीस और डाल दो करे, इतना भर रखे कटोरे, फिर भी एक पीस और डालो तो खत्म करके और लेंगे। और खाओगे अभी? हाँ। इतना टेस्टी लगा तुमको? बहुत टेस्टी बनाया आपने। तो गाइस देखो मैं कितना टेस्टी बनाती हूँ ढोकला। हल्दीराम्स भी फेल है। हैं? और मेरे बच्चे कह रहे हैं हल्दीराम भी फेल है, शायद इनको पूरा कटोरा भर के चाहिए इसलिए बोल रहे। चलो फिर हम तो खा रहे हैं, देखी जाएगी शाम तक बचे ना बचे दोबारा बना लेंगे। तो गाइस देखिए, बाहर बारिश लग रही है और अंदर ढोकला चल रहा है, तो ढोकले का आनंद तो और भी दोगुना तिगुना चौगुना हो चुका है बारिश की वजह से। तो गाइस हमने खाते खाते देखो पूरी प्लेट खाली कर दी है, और ये भी ये लोग कह रहे हैं हमको दे दो। अब क्या ही करोगे, दो पीस बचा के क्या करोगे, बस लो खाओ, तुम तसल्ली से खा लो, अभी और बनाते हैं। तो गाइस हमको आप दोबारा बनाना पड़ेगा। अरे इतना नहीं खाऊंगा यार, पेट भर गया। तो ये बचा है मेहमानों के लिए। हफ्सियों ने सब खा चुके हैं, इतना टेस्टी था, और लंच टाइम भी हो रहा तो भूख लग रही थी ना। अब हम लंच नहीं करने वाले, मैं तो करूंगा। एक हफ्सी कह रहा है मैं लंच भी करूँगा। वाओ मजा आ गया, मस्त, क्या ढोकला था यार। अब उनको क्या बोलेंगे, हमने तो सारा ढोकला खा दिया। मैंने बोला था तो मान ले ढोकला बनाएंगे दोबारा बना देंगे उनके लिए। नींबू ले आओ फिर, और वो ले आओ। और ये हमारी गेस्ट आ गई है, लेकिन ये अंदर आने को तैयार नहीं है। हृदय आ जाओ, अंदर आओ बेबी, शाबाश, गुड गर्ल, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ अंदर आ जाओ। हृदय आ गई है गाइस, आ गई है। हाँ आओ अंदर आओ। ये देखो इसकी शैतानी देखो भाई, मम्मा आपको बंद कर देती हूँ। भाई क्यों कर रहे हो आप मम्मा को बंद? कहाँ बैठोगे? चलो आओ। ये देखो कहाँ बैठोगे, कौन? ये देखो यार, ये कितना शैतान बच्चा आया हमारे घर में आज है। नीचे उतरो, जल्दी उतरो, गंदे बच्चे करते हैं ऐसी बात। ओए ये देखो इसके उतरने की टेक्निक देखो जरा, सब जगह बैठ जा तू भाई। मैं तो बता। हाँ गाइस, हमने हृदय के लिए मैंगो शेक बनाया था जो कि बन गया है आइसक्रीम। अब हम इसमें फिर से दूध मिलाते हैं और देखो अब भी मैंगो शेक बनता है। हृदय वेट अ मिनट, बताओ मम्मी कैसी है? अच्छी। पापा कैसे हैं? अच्छे। और नानी कैसी है? अच्छी। और नानू कैसे हैं? अच्छे। मौसी कैसी है? अच्छी। और आप कैसे हो? बहुत अच्छी। अपने लिए बोल रही हूं बहुत अच्छी। आप बहुत अच्छे हो। हाँ। हम बहुत अच्छे नहीं है, बंद कर दूंगी, बंद करना पड़ेगा। गाइस बोलो
अंदर जा, अंदर आओ, अंदर अंदर जा, बंद कर मुझे, बंद कर दिया है क्या ने, मुझे बंद कर दिया मैं इसकी नानी हूँ और ये शैतान की नानी है भाई जल्दी आओ इनमें दे दो अरे चम्मच से पीना हाँ। नहीं चम्मच से कैसे पियोगी बैठो यहाँ पे अभी ढोकला भी खाओगे हाँ हमने तुम्हारे लिए दोबारा से बनाया ढोकला इनमें डालो आप ऐसे निकाल लो ऐसे पी लो ऐसे बहुत अच्छा हो रहा है हाँ ये सही टेक्निक है लो पकड़ो आप इसे पकड़ो अरे यहाँ पे रखो ऐसे खड़े हो जाओ ले गायत्री गायत्री कौन है ये नाना जी को ले लेते हैं हाँ और ये चिक्चर देंगे कौन सा वाला कपड़ों में नहीं गिराना हाँ चिचले है ये ना मौसी का है मौसी का है मैं अपने लिए लेके आ रही हूँ हाँ आप पियो तो और पियोगे तो और पीना भी दे घर के हमारे पास अरे बहुत ज्यादा है उनके पास मम्मा बहुत ज्यादा है उनके पास कैसा हो रहा है अच्छा ये देखो कैसे स्वाद ले लेके खा रही टॉवल लगा दो यहाँ पे नैपकिन लगा दो हाँ गंदा हो जाएगा ये क्या किया है क्या खेल दिया बहुत है ना इनके पास गिरा दिया थोड़ा बहुत है हमारे पास मैं कटोरी में लाती तेल ले रुक इसमें ऐसा जोड़ी ना गिलास में हाँ रुक कटोरी में हाँ अब तो है ही नहीं हमारे पास अब क्या होगा है दो अब क्या होगा टेबल को चाट ले ऐसे देख चाटो क्यूटी बेबी है हमारा क्यूटी बेबी इसको अभी छाप करते हैं हम थुपड़े को अच्छा वह थोड़ा हुआ है वो ऊंचो हाँ ये ढोकला काट दिया इसने हैप्पी बर्थडे टू यू करके है ढोकला है बाबू केक थोड़ा है ढोकला क्लैप करो आज ढोकले का केक बना दिया हृदया ने हृदया ढोकला खाएगी मैंने हम लोगों ने पहले ही खा लिया था पूरा ढोकला तो ये दोबारा से बनाया ना हृदया कैसा हो रहा मम्मी कैप अभी कर कैप तुम अच्छी ये है क्या क्या है हृदया क्या है बताओ क्या है क्या है तुम भी करो पहले बताओ ये क्या हाँ क्या है क्या है किसका बर्थडे था मेरा आप हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू काटो चम्मच से काटो हैप्पी बर्थडे टू यू ढोकला केक अब दिया खाइए हिंदू को मिर्ची खिला दो कैसे खाओगी चम्मच मांग के लाओ आंटी से अंदर आंटी है आंटी से चम्मच मांग के लाओ आंटी चम्मच दो बोलना क्या बोलोगी चम्मच दे दो खाऊंगी जाओ लेके आओ चम्मच दे दो छोटा वाला है क्या पहले ये तो बताओ ये क्या खा रहे हो आप ये बताओ पहले मैं तल दी थी तो आपका हाथ में टमाटर मैं करूंगी भाई रुको मैं ये किसके लिए है
हल्दिया को पैक करना भी आ रहा है ऐसे करो अच्छे करो चलो करो पैक हो गया बंद हो गया हाँ चलो ठीक पैक हो गया मैं लग देती हूँ नहीं नहीं तुम नहीं रखो तुम अपना खाओ आप खाओ अपना लो स्पून ले लो नानी नहीं बनो तुम लो स्पून से खाओ एक मोटी मम्मी मैं तो मम्मी ही कह कुछ नहीं है आपके काम का नहीं है क्या कह रही ये मोटी मम्मी लो ये खाओ जल्दी मोती कह रही है मोती जल्दी खाओ मोती मम्मी क्या है ये क्या है मोती मम्मी ये क्या है खाओ खाओ मिर्ची डाल दो एक मिर्ची अच्छी रही ना मिर्ची सांभर आता है इसको प्ले रस भी डाल रसा इस समय मैंने ज्यादा ज्यादा नहीं सोच रुको बस इधर देख